अब बात करते हैं अजमेर की, जहां एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसे शक था कि पत्नी का किसी के साथ प्रेम संबंध है। पत्नी घंटों फोन पर बात करती रहती थी, पूछने पर झगड़ती भी थी, इसलिए नींद में ही उसका गला दबा दिया था। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए साड़ी से फंदा बनाकर पंखे पर लटका भी दिया था। बाद में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। साड़ी को दाह संस्कार के समाचिता में जला दिया गया। मृतका के पिता ने रूपनगढ़ थाना पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए रविवार को हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। रूपनगढ़ थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि 6 जून को परिवादी रामजी लाल पुत्र रामनारायण मीणा निवासी ग्राम रहलाना पुलिस थाना दूदू जिला जयपुर की रिपोर्ट न्यायालय के जरिए मिली थी, जिसमें बताया कि परिवादी की बेटी नेराजी उम्र 19 वर्ष को राजस्थान पुलिस की परीक्षा दिलाने के लिए ग्राम रहलाना से उसका ससुर महावीर मीणा अपने गांव भदौर बीते 11 मई को लेकर गया था। 17 मई को ग्राम भदौर से फोन पर सूचना मिली थी कि आपकी बेटी नेराज की तबीयत खराब है। परिवार वालों ने जाकर देखा तो उसकी मौत हो, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया और वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। उन्होंने उनकी मरी हुई बेटी के गले की फोटो खींची थी। उनकी पुत्री नेराज को पति कमल किशोर मीणा द्वारा गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी अयूब खान द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। मृतका नेराज व उसके पति कमल किशोर व अन्य संबंधित लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल प्राप्त कर सीडीआर का विश्लेषण किया गया था। इसके बाद पति कमल से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। आरोपी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उनकी शादी करीब 1 साल पहले ही हुई थी। उसके कोई संतान नहीं थे। पति ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी किसी युवक से फोन पर लंबे समय तक बातें करती रहती थी। दिन में कई बार बातें करती थी। जब इस संबंध में पूछताछ की तो लड़ाई झगड़ा भी कर दी थी। वारदात की रात को भी बातें कर रही थी। उससे नाराज होकर उसने रात को नींद में गला दबाकर मार डाला था। बाद में किसी को पता नहीं चले, इसके लिए साड़ी का फंदा बनाकर पंखे पर लटका दिया और परिजन को बता दिया कि आत्महत्या कर ली है। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, फिर मृतका के परिजन को सूचना दी थी। हत्या का मुख्य मोटिव ये रहा कि इसका पति अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शंका करता था और शंका के आधार पे ही इसने हत्या की गई। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।